हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने एक लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के कहते हैं, चाहे वो ग्रॉसरी के लिए हो, फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए हो, या फिर राइस के लिए हो, मसाले के लिए हो, या फिर ड्रिंक्स वगैरह के लिए हो। अगर ये इस टाइप की अगर आपको मल्टी वेंडर मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है तो वो किस टाइप से होगा, कौन कौन से फीचर्स होंगे, आज हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ये खूबसूरत सा लेआउट है जो आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत सा लेआउट है। इस लेआउट के अंदर का आपको मल्टी वेंडर के सारी चीजें आपको दिखेगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके फीचर्स कौन कौन से हैं। फीचर्स आप यहाँ पे आप आराम से इजीली इसको देख सकते हैं कि इसमें फीचर्स बहुत बहुत जबरदस्त फीचर्स हैं और बिल्कुल इजी स्टेप के साथ है। ये इसमें आपको लॉगिन पासवर्ड के थ्रू आपका साइन अप हो जाएगा और यहाँ पे आपको ये आपका साइन इन है, आपका इधर का ये साइन अप है। और इसके बाद यहाँ पे बात कर ले इसका होम स्क्रीन की बात करें तो होम स्क्रीन बहुत जबरदस्त और खूबसूरत होम स्क्रीन दिख रहा है। सबसे पहले आपको होम का बैनर मिलेगा आपको, उसके बाद आपका क्विक सर्च का ऑप्शन मिलेगा, कैटेगरी बैनर मिलेगा, इसके अलावा शॉप बाय कैटेगरी की भी मिलेगा और साथ साथ शॉप बाय स्टोर्स भी अगर आपको चाहिए तो अभी आपको शॉप बाय स्टोर्स का भी मिल जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, सही देखा। इस तरह से ऑर्डरिंग ऑर्डर का प्रोसेस का जो सेक्शन है वो सिंपल है। किसी कोई भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे और उस कैटेगरी का प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन देखेंगे और वो प्रोडक्ट का कंफर्मेशन डालेंगे और फिर आपको डिलीवरी डेट डालना है, फिर डिलीवरी टाइम डालना है, डिलीवरी टाइम चूज करना है, इसके बाद पेमेंट ऑप्शन चूज करना है, देन ऑर्डर प्लेस कर देना है आपका, फिर ये ऑर्डर का आ जाएगा। ये ऑर्डर जब आते ही आपको ये माई ऑर्डर में इस टाइप से आपको दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको ऑर्डर को कैंसिल करना हो तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, या फिर पास ऑर्डर आप देखना चाहें तो आप पास्ट ऑर्डर भी देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक छोटा सा ब्रीफ का आपको वो था, मेन्यू था। ये सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी, बता दी। अब इसके अंदर के कुछ फीचर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। एडमिन के जो फीचर्स रहेंगे वो एडमिन के फीचर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। एडमिन के मेन फीचर्स सारे के यहाँ पे दिया हुआ है कि ऐप यूजर का एडमिन कैन सी टोटल रजिस्ट्रेशन एंड यूजर ऐप। एडमिन देख सकता है कि कितने यूजर उस एप्लीकेशन का यूज करने वाले हैं, कितने नहीं यूज करने के, कितने जो है रीयूज करने वाले नहीं है। यानी एडमिन अपने तमाम यूजर को देख सकता है कि कितने यूजर रजिस्ट्रेशन हैं और कितने यूजर अनवेरीफाइड है। यहाँ पे कैटेगरी एंड सब कैटेगरी एडमिन देख सकता है। इस तरह से प्रोडक्ट्स की सारी के मैटर्स स्टोर ऑनर का और साथ साथ एडमिन ऑनर भी देख सकता है। यहाँ पे प्रोडक्ट के डिलीवरी टाइम एडमिन इसको मैनेज कर सकता है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग कस्टमर को अलाउ कर सकता है, टाइम स्लॉट अलाउ कर सकता है, ऑर्डरिंग कर देख सकता है कि ऑर्डर का किस से कितना ऑर्डर आया नहीं आया, ये ऑर्डर एडमिन कर सकता है। इसका स्टोर मैनेजमेंट का सारा हैंडलिंग एडमिन के पास रहेगा। इसका कोई पेज वगैरह एडमिन अगर बनाना चाहे, लाइक इज अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, तो इस तरह के पेजेस वगैरह एडमिन क्रिएट कर सकता है। साथ साथ रिवार्ड सिस्टम का भी सिस्टम इसके अंदर दिया हुआ है। कस्टम नोटिफिकेशन का अगर एडमिन चाहे किसी को नोटिफिकेशन भेजना, कोई ऑफर भेजना, तो भी आप एडमिन कर सकता है। इस तरह से स्लाइड, इस तरह से कूपन कोड एडमिन के इसे मैनेज कर सकता है। डील ऑफ द डे का प्रोडक्ट एडमिन मैनेज कर सकता है। कस्टमर ऐप के जो मेन फीचर्स हैं, यहाँ पे सिर्फ मेन फीचर्स दिए गए हैं, बाकी सारे कस्टमर के जो मेन फीचर्स हैं वो यहाँ पे इस तरह के फीचर्स हैं कि कस्टमर नियर बाय ये प्रोडक्ट्स को बाय कर सकता है, होलसेल रेट में भी बाय कर सकता है। इस तरह से रिवार्ड एंड रॉयल्टी पॉइंट एवरी ऑर्डर में वो पा सकता है कस्टमर। वॉलेट सिस्टम ऑप्शन से कस्टमर को वॉलेट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकता है, या फिर प्रोडक्ट्स के अंदर फास्ट चेकआउट कर सकता है, या फिर वॉलेट के अंदर मंथली के जो भी वो पेमेंट करना चाहे या जो भी बजट स्पेंड करना चाहे तो वॉलेट से भी कर सकता है। इस तरह से डिलीवरी के कस्टमर को अपने टाइम के अकॉर्डिंग डिलीवरी वो टाइम एंड डेट चूज कर सकता है। कस्टमर के ऐप शेयर कर सकता है, प्रोडक्ट शेयर कर सकता है, रिव्यू दे सकता है ऐप के अंदर। इस तरह से कस्टमर सर्च वाया कॉल एंड व्हाट्सएप एंड ईमेल कस्टमर जो है पहुंच सकता है, कॉन्टेक्ट कर सकता है एडमिन ऑनर से कॉल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू। जी हाँ, आपने सही सुना, कस्टमर का करंट ऑर्डर देख सकता है और पास्ट ऑर्डर भी देख सकता है। इसके अलावा कस्टमर रिडीम और रिवार्ड पॉइंट उसको रिडीम कर सकता है और उसको वॉलेट में उसको लोड कर सकता है।
सेम इस तरीके से डिलीवरी बॉय ऐप की फीचर्स हैं। डिलीवरी बॉय ऐप की फीचर्स है डिलीवरी बॉय कैन सी ऑर्डर डिटेल असाइन टू हिम। डिलीवरी बॉय यह देख सकता है कि उसके पास कोई ऑर्डर असाइन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर असाइन हुआ है तो उसको दिख जाएगा। इस तरह से डिलीवरी बॉय कॉल कर सकता है डायरेक्ट कस्टमर को। डिलीवरी बॉय चेंज कर सकता है ऑर्डर एनी स्टेटस के अकॉर्डिंग, किसी भी टाइप का स्टेटस हो तो उसको चेंज कर सकता है। इसके अलावा स्टोर मैनेजमेंट जो कर क्या क्या कर सकता है, स्टोर के मैनेजमेंट अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकता है, मेटर लिस्ट टू सेल, आप जो भी प्रोडक्ट सेल करना चाहे उस प्रोडक्ट्स डाल सकता है, सेलेक्ट कर सकता है एडमिन के थ्रू। इस तरह से प्राइस मैनेजमेंट कर सकता है, स्टॉक मैनेजमेंट मैनेज कर सकता है। इस तरह से स्टोर मैनेज मैनेजर जो है वो किसी भी प्रोडक्ट्स के ऑर्डर को, ऑर्डर के फीचर्स वगैरह को चेंज करना चाहे चेंज कर सकता है। मैनेजर चेंज कर सकता है ऑर्डर की स्टेटस को। इस तरह से मैनेजर चेंज कर सकता है या मैनेजर असाइन कर सकता है प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट ऑर्डर प्रोडक्ट को डिलीवरी बॉय तक। ये वो कुछ चीजें थी। इसके अलावा का बहुत सारे जो मेन मेन फीचर्स हैं कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं, ये आपका फायरबेस ओटीपी के थ्रू भी आपको रजिस्टर कर सकते हैं। इस तरह से ये मल्टी स्टोर्स एंड मल्टी होलसेल टाइप, जैसे आपका लुकला जैसे बिग बास्केट है, गो ग्रोफर है, इस तरह के जो मल्टी स्टोर्स एंड मल्टी वेंडर के सिस्टम से ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल हैं। इस तरह की और बहुत सारी चीजें हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बल्क ऑर्डर का, बल्क प्रोडक्ट्स अपलोडिंग का, प्राइस अपलोडिंग, ये सारी चीजें भी आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे पेपाल, रजोर पे, स्टेक से इंटीग्रेट ऑनलाइन पेमेंट वगैरह भी की जा सकती हैं। बिल्कुल इजी ऑप्शन से आराम से की जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो रही ऐप के थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू। आइए हम अब देखते हैं डायरेक्ट ऐप ओपन करके कि ऐप किस तरीके से काम करता है और ये कैसे काम करेगा। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि इसके लिए हमें आना पड़ेगा डायरेक्ट मोबाइल में। आपका होम पेजेस है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर के सेक्शन में लोकेशन ट्रैक कर लेता है। यहाँ पे किसी भी टाइप के आप प्रोडक्ट डालना चाहें, ऐड करना चाहें, आप आराम से इसको यूज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे शॉप बाय स्टोर का भी ऑप्शन डाला हुआ है। अगर आप कोई बंदा ऐसा हो कि जो डायरेक्ट शॉप से ही बाय करना चाहता है तो वो डायरेक्ट शॉप से भी बाय कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे डील ऑफ द डे का ऑप्शन है। डील ऑफ द डे में कस्टमर्स अपने का प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग वो डील ऑफ द डे का मैनेजमेंट कर सकता है, बिल्कुल इजी ऑप्शन है। इस तरह से ये आपका होम स्क्रीन से टॉप बाय कैटेगरी है। कैटेगरी के वाइज कोई अगर बंदा बाय करना चाहे तो आराम से इजीली वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी बाय कर सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, सही देखा। यहाँ पे किसी भी कैटेगरी में अगर कोई बाय करना चाहे तो वो बाय कर सकता है, बिल्कुल इजी ऑप्शन है। देखें कितना खूबसूरत है और ये प्रोडक्ट्स भी कितना खूबसूरत सा दिख रहा है। तो इस तरह का आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा डिजाइन है और ये डिजाइन का आप आराम से इसको इजीली इसको मैनेज करना चाहें, आप आराम से इसको मैनेज कर सकते हैं। जो भी कैटेगरी आपको ऐड लेना हो, किसी भी कैटेगरी अकॉर्डिंग, अगर आप कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट्स बाय करना चाह रहे हैं तो आप कैटेगरीज के कैटेगरी वाइज के अकॉर्डिंग भी आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। देखिए हर एक तरह कैटेगरी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कोई भी कैटेगरी आप ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी ऑप्शन से, कोई ज्यादा मगजमारी है नहीं। तो यहाँ पे कई इस तरह का ऑप्शंस आ गया। अब ये के जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को जो बाय के लेकर चलेंगे तो बाय इस तरह से ये बाय का आ जाएगा। फिर यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू करते ही आप यहाँ पे अपना एड्रेस चूज करेंगे। फिर आप कोई अगर नया एड्रेस डालना चाहते हैं नया एड्रेस डालेंगे। फिर टाइम स्लॉट मिल जाएगा आपको, उसी टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते ही आपको यहाँ पे लेके चला जाएगा ऑप्शन पे, क्या वॉलेट से लेना है, कैश ऑन डिलीवरी लेना है या फिर डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड से लेना है। फिर जो भी जिससे भी लेना हो आप उसके अकॉर्डिंग आप इसको ऑर्डर डाल सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए मेन फीचर्स इसके अंदर का जो चीज है वो क्या, देखिए आप ऐप को ओपन करते ही आपका जो मेन लोकेशन है वो लोकेशन ट्रैक कर लिया। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी मैं यहाँ पे लॉग इन किया हुआ था इसलिए यहाँ पे लॉग इन आ गया ऑप्शन। बट अगर आपको लॉग इन के नहीं चाहिए तो आपको ऑर्डर करना हो तो सबसे पहले वो लॉग इन मांगेगा। जैसे देखिए मैंने अभी यहाँ पे जो ऑर्डर किया है
तो ऑर्डर किस स्टेटस में, किस पोजीशन में, कैसे है, वो सारी चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगा सेम एज इट इज। इसी तरीके यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएगा, यहाँ पे माई ऑर्डर है, माई रिवार्ड पॉइंट है, ये आपका वॉलेट सिस्टम है, यहाँ पे आपको वॉलेट वॉलेट का मिल जाएगा, जो भी आपको वॉलेट में ऑप्शन है या फिर जो पॉइंट्स वगैरह हैं, जो आपने पॉइंट्स रिडीम किया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जी हाँ, इसके अलावा आपका यहाँ पे प्रोफाइल या कॉन्टेक्ट चैट विद अस, अगर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप से बात करना चाह रहे हैं क्लाइंट के साथ या फिर ऐप ओनर के साथ, डायरेक्ट आप व्हाट्सएप से भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप टर्म एंड अबाउट अस के बारे में देखना चाहेंगे, इस ऐप के बारे में देखना चाहेंगे, वो ऐप के बारे में आप देख सकते हैं। इस तरह से आप टर्म एंड कंडीशन के देखना चाहेंगे, ये टर्म एंड कंडीशन क्या है नहीं है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे आराम से इजीली इसको देख सकते हैं। इस तरह से आप इस ऐप को शेयर करना चाह रहे अपने फ्रेंड्स के सर्कल में या फिर अपने किसी भी बंदे को शेयर करना चाह रहे हैं, वो आप उसको आराम से इजिली इसको शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक क्विक सर्च बार है, सर्च बार में आप कोई से भी प्रोडक्ट्स आप डालिए, जो प्रोडक्ट्स इस ऐप के अंदर है वो आप सर्च करती है, आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन करती है, आपको वो सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे ये देखिए कितना खूबसूरत से ये प्रोडक्ट्स हैं, ये आपका ये प्रोडक्ट्स आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से आपका बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है, आप इसे आप अगर चाहते हैं इस तरह की मोबाइल एप्लीकेशन बनाना, ये हाँ इनका डिलीवरी बॉय एप्लीकेशन, इसके साथ साथ स्टोर एप्लीकेशन भी आपको मिलेगा, हाँ इसमें दो एप्लीकेशन और हैं वो भी आपको मिलेगा। तो उसका सिंपल ऑप्शन ऑप्शन से वो अपना नॉर्मली का डिलीवरी बॉय के पास चला जाएगा और वो का डिलीवरी बॉय कस्टमर तक वहाँ पे पहुँचा देगा। तो ठीक है, मैं ये भी चीज़ आपको शेयर कर दूंगा, आप आराम से इसको देख सकते हैं। अब अगर आपको कोई क्वायरीज हो, कोई सवाल हो, तो आप आराम से बिला झिझक पूछ सकते हैं, या ग्रोसरी से लेकर फ्रेश फूड, आपका वेजिटेबल्स, फिश, इस तरह का हर तरह के आप प्रोडक्ट्स इसमें सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत।